मन करता है कि अब राजनीति छोड़ दें। क्या इतना हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया है, संविधान हमारा कमजोर हो गया है? क्या कारण है कि ये बाबा लोग ही पॉलिटिशियन को, सिस्टम को और लोकतंत्र को चला रहे हैं? क्या इन बाबाओं के खिलाफ जिहाद नहीं होनी चाहिए? जिन्हें फांसी होनी चाहिए, जिन्हें काल कोठरी में बंद होना चाहिए, कोई हो, कोई बाबा राबा कोई हो, जिनकी नजर बेटियों पर हो, बहनों पर हो, उनको जिंदा रहने का राइट है, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दे दिया गया, उसके बाद आप बीजेपी बीजेपी करते हो। हंस दाना चुग रहा और कौआ मोती खा रहा, देश की जनता के साथ मजाक के सिवा और कुछ नहीं हो रहा। ये सब देखकर मन करता है कि आज ही राजनीति से विदा या अलविदा कह दूं, यानी कि राजनीति को छोड़ दूं। आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें किसने कही है। ये सारी बातें पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आके कहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पप्पू यादव को ये सब कहना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रिया। पप्पू यादव 13 घंटे पहले यानी कि कल उन्होंने फेसबुक लाइव आकर कुछ ऐसी ही जानकारी दी। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि देखकर देश की हालत को मन करता है कि राजनीति को छोड़ दो, बस लोगों की दिन रात सेवा करो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी सारी जानकारी वो खुद अपने वीडियो में खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। आप उनकी पूरी बातें सुनिए। नमस्कार, मन करता है कि अब राजनीति छोड़ दे, बस मानवता की सेवा करें। तकलीफ होती है, इस कंट्री में जनता भी भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को चाहती है। जिसके पास जितनी बड़ी दौलत, जिसके पास जितना बड़ा 4756, जितने बड़ी संख्या में बलात्कार करने की तजुर्बे, माँ और बेटियों और लड़कियों का शोषण करने की पूरी ताकत, चाहे वो बाबा हो या पॉलिटिशियन, पदाधिकारी हो या कोई व्यक्ति, वही लोग इस देश को चलाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जिस बाबा राम रहीम जैसे, जिस बाबा राम रहीम, इतने बड़े गंदे आदमी, चरित्रहीन आदमी, जिसने, जिस पर ना जाने कितने अरबों खरबों और कितनी साथ बलात्कार करने के आरोप हो, बेचने के आरोप, ये बीजेपी वाले या कुछ ऐसे दल कौन सा कुकर्म और पाप नहीं करते? क्या इतना हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया है, संविधान हमारा कमजोर हो गया है? क्या सर्वोच्च न्यायालय 100 मोटो नोटिस नहीं ले सकती थी? इतने लंबे पैरोल, राजनीतिक पैरोल, इसके पहले 2 दिन 1 दिन के लिए पैरोल नहीं मिलता था क्या? नहीं उनके घरों से ऐसे आराम की चीजें मिली? क्या हम सत्ता के लिए सारे कुकर्म और पाप करेंगे? क्या हम डर जाएंगे इंसानियत को बचाने के लिए? लगभग इस हिंदुस्तान के 90% बाबा जो अकूट पैसे कमा करके दुनिया से लूट करके गरीबों से और मानवता को समाप्त करके अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, क्या कारण है कि ये बाबा लोग ही पॉलिटिशियन को, सिस्टम को और लोकतंत्र को चला रहे हैं? क्या इन बाबाओं के खिलाफ जिहाद नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिशियन के पहले बाबाओं के खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है। पहले चुनाव के लिए पैरोल दिया गया इन चरित्रहीन को, जिन्हें फांसी होनी चाहिए, जिन्हें काल कोठरी में बंद होना चाहिए, कोई हो, कोई बाबा राबा कोई हो, जिनकी नजर बेटियों पर हो, बहनों पर हो, उनको जिंदा रहने का राइट है, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दे दिया गया, उसके बाद आप बीजेपी बीजेपी करते हो।
गाय के नाम पर मुसरी घरारी में जिंदा जला दिए, जबरदस्ती गाय गाय कहवा करके पूरी देश की बेटियों पर, बहनों पर, मां पर जिन चरित्रहीन बाबाओं की नजर होती है वो इस बीजेपी की ताकत है। सत्ता तय करेंगे ऐसे लोग, ऐसे चरित्रहीन लोग। लगभग पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग सम्मिलित हैं। हमें तो लगता है कि हमारे जैसे परिवार को अब राजनीति से दूर होना चाहिए, जंग की आगाज करनी चाहिए इन बाबाओं के खिलाफ। समाज से आवाज उठनी चाहिए इन चरित्रहीन नरभक्षी के खिलाफ। ये राम रहीम नरभक्षी है, नरभक्षी। समाज में आजादी से रहने के अधिकार इन्हें नहीं मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय अविलंब सो मोटर नोटिस ले। आसाराम को एक दिन पैरोल नहीं मिली और लोगों को, तो फिर ये राम रहीम को कैसे, जबकि आसाराम से भी ज्यादा खतरनाक और चरित्रहीन राम रहीम है। अकूट पाप के शेयरदार और हिस्सेदार है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के वोट के लिए सारे कुकर्म करते हैं। हमें लड़ना होगा। है हिम्मत तो तैयारी करें ये राम रहीम। मैं लड़ने को तैयार हूं और मरने को भी तैयार हूं। गांधी को मारने वाले घोड़से का चरित्र, और आज भी कई घोड़से को यह पालकर इस देश की संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि मुसरी घरारी के मामले को आप गंभीरता से लें। क्या सब कुछ समाप्त हो गया, फिनिश हो गया कानून, जिसे मन आएगा वीडियो वायरल करेगा और वो लोग समाज में रहेंगे? कौन आजादी दिया ऐसे लोगों को? कानून के रहते, संविधान और सरकार को रहते कि हम फैसला करें, तब तो सबसे पहला फैसला पदाधिकारी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपतियों की होनी चाहिए। या घटना माफी जोग नहीं है, और बिहार में इसकी प्रचलन बढ़ रही है। हम समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। हम आएंगे, हमसे क्यों नहीं लड़ते हो? आदमी को मारने वाले, आदमी को गिद्ध की तरह लूटने वाले इस देश की संस्कृति और लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करने वाले, बेटियों और मां बहनों का सौदा करने वाले वो जानवर के नाम पर इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। जरूरत है कानून के द्वारा ऐसे लोगों को। बहुत दुखद घटना, हमें झकझोर दिया है इस राम रहीम जैसे नरभक्षी को जेड प्लस देने से। मन नहीं करता कोई शासन प्रशासन की सुरक्षा लेके चला जाए। और ये मोमलन सिंह जो घटना घटी है मुसरी घरारी, हम आएंगे कल और देखेंगे इन मोमलन सिंह करने वाले को कितनी औकात और ताकत। प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं नीतीश जी, न्याय करिए उस परिवार के साथ, उस बच्चों के साथ। और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह है कि सो मोटो नोटिस लें, और ऐसे लोगों को काल कोठरी में होना चाहिए। आप निर्णय दें, अन्यथा कानून और संविधान और न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा सबका। धन्यवाद। तो आपने पप्पू यादव को सुना। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार लोगों को ठगती है, जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, और दिन रात बिहार में जिस तरीके से अपराध हो, बेरोजगारी हो, ये सब बढ़ रहा है, इस सबको देखकर पप्पू यादव का भी मन करता है कि वो राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे।
लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।